بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلاة وسلام وعلى آلك وصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا نبي سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکوں غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا
ये जोहारे दूर होने को है अब ये दूरी उनकी चौखट पे होगी हुजूरी ख्वाब में मुझको आका के दर से हाजिरी के इशारे हुए हैं या नबी सब करम है। हजराते मोहतरम जी कदर उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अजीम साहेब और मोहतरमुल मकाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन साहेब जीदा शर्फ हो दामत बरकातुमुल आलिया अल्लाह करीम इस महफल विच आप सब दी और मेरी हाजरी कबूल फरमाए और जितने अहबाब भी जलवागर हुए ने बैठे ने तशरीफ फरमा हुए ने अल्लाह करीम इस खत्म शरीफ दा इसाले सवाब दा प्रोग्राम है मोहम्मद उमर साहब दा उन्हां दी शीरा साहिबा वास्ते रब ताला उन्हां समेत इन्हां दे घर विच जितने फौत होए ने उन्हां सारयां नूं जन्नत ए आला मकाम अता कर। अजीजो और साथियो शरीयत ने बहना दे बड़े हक बयान फरमाए ने और उन्हां नूं विरासत विच हिस्सेदार बनाया हालांकि लोग इस तो अमल नहीं करते इनके उत्ते अमल नहीं लोग करते लेकिन ये शरी तौर पर गलत है। तुहाड़ियां बहनां दा तुहाड़े विच माल विच एक बटा दो हिस्सा है जी आप नूं समझ आई है कि नहीं आई। यानी मर्द दा मर्द दे दो हिस्से ने औरत दा एक हिस्सा है तो ये शरीयत ने उन्होंने हक दिता है किसी बंदे नहीं दिता जिस अल्लाह दा तुसी कुरान पढ़ते हो उस कुरान विच अल्लाह ने यह वाजे तौर पर फरमा दिता है कि औरत दे एक औरत दा एक हिस्सा है ते मर्द दे दो हिस्से। तो शरा शरीफ ने जो हिस्से बना दिते ने उन्ना तो सानू नसना नहीं चाहिए। अगर तुसी अपनियां बेटियां नू जहेज दे नाम ते पैसा खर्च कर दे तो उदी शरीयत ममानियत कर दी। शरीयत जहेज देन तो मना कर दिए कि जहेज अपनी बेटियां नूं उन्हां दी विरासत विचों ना दिओ। शरीयत मना कर दिए कि औरत फौत हो जाती है तो असीं उड़ीकदे रहिंदे आं बई दे पिछले आउण ते इहनूं हुण कफन पैण ये भी गलत समझ आई है कि नहीं। बीबी फौत हो गई है तो असं आने इस बीबी के जेडे पिछले ने जिथों असाए ले आई पेके वो आनू जो कफन देन इनका खर्चा देन ये शरण गलत है। औरत का कफन उनके अपने माल ही होना चाहिए उनके खावन के माल ही होना चाहिए तो जो ये दोवें ना आन तो ये पुत्र के माल ही होना चाहिए तो जो वह भी ना आन तो मुड़ रिश्तेदार जोड़ा दे 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 रिश्तेदार भी ना आने मुड़ मुसलमान दे दे
लेकिन सब तो पहले उस औरत दा फिर उदे शौर दा मुड़ो दे पुत्रां दा आ गया। वो पिछले हफ्ते वो छड़ के आ गई, सारी उम्र तुहाडी नौकरी कीती, उदे चू बाल बच्चे होए, तुसी जम्मे उदे चू, वो कमेंदे पे हो, हुण इन्ने जो के भी ना बमान कफन ही दे लई, वो भी पिछले पे उड़ीकने माउण ते देण। किड्डी अजीब गल, वो तुहाडी वालदा तुहाडी बीवी की सोचेगी, वो मैं सारी उम्र इन्हां दी नौकरी कीती है, मेरे जोगा दो गज कपड़ा भी नहीं ने जुड़िया, वो भी पिछले पे उड़ीक देन, वो मुड़ा के देन। तो ऐसियां अजीबो गरीब रसूमात बंदियां शुरू कीतियां। वो बीबी फौत हो जाती है, सस वो जिहड़ी बच्ची दित्ती हुंदी ने, वह आंदे ने भई हुण लद्दा लियाओ, हुण मुड़ों दे बीज इद्दत ले आंदी ने, भई लद्दा की लियाउणा है, फ्रिज ही दे छड्डो, स्कूटर दे छड्डो, वाशिंग मशीन दे छड्डो, यानी कुड़ी दित्ती है हुण पिछू देंदे ही रहो। ये सारिया चीजा शरीयत च मना, शरीयत चेदा कोई रूल मौजूद नहीं, ना शरीयत आंदी है दियो, शरीयत आंदी है बस जिहड़ी तेरी जायदाद है उहदे चों हिस्सा वंड के दियां दा दियां दे ते पुत्रां दा पुत्रां दा। भाई समझ आई है कि नहीं? जेड़े बंदे ने वो ऐसे ने कि वो अपने कई बीबिया ने भी मैं वेख्या, मैं आना भाई जायदाद तेरी है तो ले ही दो, तो आँदी है लाए, मैं हूँ बेरां तो ला के किकरां देवां, मैं क्या सारी उम्र लगा छड्डी आई है जे किकर ही नहीं करमा लिए। तो भाई ये एक ऐसे साडे रस्म रवाज ने साडे मुआशरे दे जिहड़े इस्लाम नाल मुतसादिम ने, इस्लाम दे मुखालिफ ने। हुजूर सरकार दी सुन्नत और अल्लाह दा फर्ज है कि जिहड़ियां तुहाडियां बाप चू सगियां बहणा ने उन्हां दा तुहाडे माल विच हिस्सा है, उस तो बाद तुसीं उन्हां नूं कुछ दिओ ना दिओ वो फर्ज नहीं रहा, लेकिन उन्होंने हिस्सा देना फर्ज है। असी दुकाना मंडिए तभी छोर मजी मंडिए तभी छोर कुड़ी ने एक मज दे भी बवीए ना पाँचे पिछे भी गिनते रहने मज दी आई कुड़ी बई तेरिया सारिया मजी बच्ची का हिस्सा है, तू कोई नेकी नहीं की मज दे के। हूं रवाज निकल गया स्टील से इलेक्ट्रिसिटी से लक्कड़ दे के आंदन बुलाया कुड़िए बुए बिरान दे छ ਤਿਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਮੁੜ ਬਿਰਾਂ ਬਹਿਣਾ ਦਾ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤਾਈ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾ ਕਦੀ ਬਿਰਾਵਾਂ ਵੀ ਬੋਏ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੋਏ ਬਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਇਕਵਾਇਆ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਦੂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੂ ਅੱਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਕੁੜੀਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ। कोई समझ आई है गल नहीं कर? अल्लाह दी शरीयत ने औरत नू हक दिते ने, उदे हक नू अदा कीते जान। अजीजो और साथियो, मेरे नबी पाक सरकार दी सगी बहन कोई नहीं सी, सक्की बहन हजूर दी ना हजूर दा सक्का कोई विरास, लेकिन रसूलुल्लाह जिस कबीले विच जिंदगी गुजारी आई, माई हलीमा दे घर माई हलीमा दी एक बहन आई, उन्हां दा बेटी सी जिन्हां दा नाम सी शेमा, वो रसूलुल्लाह दी रजाई बहन बनदियां सन, यानी दुध शरीक बहन, सिर्फ दुध दा रिश्ता उन्हां दा हुजूर नाल। उन्हां दे कबीले ने एक जंग विच जड़ा गजबा हुनैन होया ना बनु हवाजन नाल, उहदे विच ओ जड़ा कबीला सी बनु साद बिन बकर ओ भी हिस्सेदार सी। तो साहबाए कराम जंग विच उन्हां ने शिकस्त दित्ती और उन्हां दा सारे बच्चे औरतां मर्द ओ कैद होके, ते जदू आए ते हजरत शेमा भी उन्हां कैदियां विच सन।
जो उस कैदियों में शामिल सन तो जो हजूर का नाम सुनिया ना तो कहदिया ने भी जेडे तुहाडे मुहम्मद ने ना एक बार उन्होंने मैनू मिलाओ साबार की तो यार सुरला एक औरत तो मिलना चाहती है तो हजूर फरमाया लियाओ वो जो हजूर के करीब आईया तो हजूर ने अर्ज कर दिया ने यार रसूल अल्लाह मैं वो हाँ जी निकिया होंदिया खिडांदी होंदी आई मेरे नबी पाक सरकार ने वेख्या तो सरकार वो बचपना याद आ गया किताबा में लिखिया हजूर सरकार दियां अखां चों आंसू निकल आए बचपना याद आया और अपना गुजरिया वक्त याद आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जे राणा होवी मेरे को ये बहन मेरे को राणा होवी तो मकान भी दियांदा तो खर्चा भी दियांदा मकान भी बना के देना तो खर्चा भी देना तो जे पीछा जाना होवी तो खर्चा नाल देना जेड़ी तेरी मर्जी होवे मैं उंज करांगा उन्हां जाना वापस पसंद कीता रसूलुल्लाह ने फरमाया इन आजाद कीता है मैं जदों साहबा वेख्या ना भई हजूर सरकार ने ते इत्थे बचपन गुजारिया ते हजूर ने उन्हां आजाद कर दिता है ते फरमाया साहबा ने जेड़े साडे कोल भी इस कबीले दे ना सी भी सारे आजाद कीते सरकार दा जिन्हां नाल तअल्लुक होवे उन्हां नूं ते कैद नहीं ना कीता जा सकदा तो हजूर सरकार ने उन्होंने बकरियां ऊंट समान दे के तुरिया ते नाल फिर फरमाया बे जदू मुड़ साडे लैक तेन कोई जरूरत पै जाए तो उरा आ जाई तेरे काम होंदे रास्ते सो ये बैणा दे हकूक हुंदे ने बिरावां दे और एक हकूक शरई ने शरई हकूके ने जो जायदाद ए माल ए उदे हिस्सा और प्यार उन्हां नाल मुहब्बत करो और ए एहसान है इन अल्लाह यामुरु बिल आदल अल्लाह हुक्म देंदा है अदल करो अदल दा मतलब है उन्हां दा हिस्सा दे दे अदल तो बाद वल एहसान भलाई करदे रव्या है उस तो बाद भी जो आ जावे ते उन्हां नाल लड़ाई ना करिया है मैं वेख्या बंदे भैणां नाल बोलना छड्ड देंदे ने बे साडे तू मरले ले ले मरले उन भाइया अल्लाह दिते ने उस केड़ा धक्के नाल तेरे तो ले तू ओदे नाल ने लड़िया तू उस वेले कारू ने खुदाबंदी नाल रेंज होया बैठा तू असल वेच अपनी बहन नाल ने लड़िया आ लड़दा ते तू उस कानून नाल पिया जिस कानून दे तहत तू मालिक बनी हद वाली गल नहीं मैं एक बिरा सा तू मंगे ते उंदा हिस्सा सी दे छड़ने मैं बिरा है मुड़ उंदा हिस्सा है तो बहन दा भी तो हिस्सा ही ना वो भी ते अल्लाह ही बनाया लड़दा क्यों सीने थे हाथ धर भाइया असी कदी लड़े हाँ भाई साढ़े लंबरां कोल बड़ी बोए साढ़े कोई नहीं अब साढ़े पिंड दे चौधरियां कोल बड़ी जमीन है यार साढ़े कोल ते मरला नहीं असी ते इस गल तू कदी नहीं गुस्सा की देण वाला जिन चाहे उस दे छड़ीए साडी लड़ाई बढ़नी उरों जो साढ़े वर्गे ही नहीं खादम हुसैन भी जिम्मेदार नहीं तो मैं भी कोई नहीं जा भी कोई नहीं साढ़े को जमीन कोई नहीं अच्छा साढ़े को जमीन कोई नहीं तो मंदिया ना लड़िए क्यों जिन्ना को उन्होंने अल्लाह दी तो इस तरह बिरान भी बहन नहीं लड़ना चाहिए उन्होंने अल्लाह दी तो मुड़ साढ़े उसले बड़े नहीं बासी कदी नहीं लड़े बोल दे नो साढ़ा उसले असी कदी नहीं लड़े असी आने अल्लाह दी पसंद है मौला अली सरकार फरमाया सी रदैना किस्मतुल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल माल अल्लाह सुनया मैं तेरी इस तकसीम ते राजी हां किन्ना माल दित्ते किन्ना इल्म दित्ते सन उन्हां च रखी जिन्ना इल्म दित्ता होया नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत नारे हैदरी फैजान आला हजरत ताजदार गोड़ा शरीफ माल दूजियां दा हक खा के वधाना बाईयां बिरावां बहणा दा हक खा के अपना माल वधा लेना यह अपने आप नूं दोज़ख च ले जाण वाला काम है
रब चाहे तो बढ़ता जाता है, रब चाहे तो यह घटता जाता है। इस गल नूं तुसीं भी अखी खोल के वेखो तो दिसदा तुहानूं है। तुहाडे चार चुफेरे सारे काम आउंदे रहिंदे ने, कईआं दा वधदा वेख्या होणा है, कईआं दा घटदा वेख्या होणा है। तो बई उस तरीके नाल चलना चाहिए जिस तरीके नाल सोहना रब राजी होंदा होवे। हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बहू रहमतुल्लाह ताला अली सरकार आप फरमाते नहीं कि दो जगदी जे दौलत लबे ते ए जालिम नफ्स ना मरदा हो। पढ़ पढ़िया फाजिल होयो ते भी तालिब होयो जरदा हो। पढ़े लिखे होंगे पूरे डैम पी जाते हैं, कोई समझ आई है कोई ना, वो पूरा डैम का घुट भर छड़ते। हालांकि वो पाकिस्तान के सारे तो बाले पढ़े मुनसिफ होते बंदे डैम का घुट भर छड़ते। इस बंदे तो छूते अनपढ़ा मोगन टक लाया तो मैं इन्ना बिखा पिवा लिया उसका उतू दूजे आ जाए कुड़िया मेरा पिया वढ़ना मैं ला इन्नी पोस्ट करप्शन की भाई जी अनपाड़ा तो जै पूरे डैम का घुट भरिया तो पता भी नहीं लगन दिता वो माड़ा पड़िया। ता बहु फरमा दे पढ़ पढ़ आलिम फाजल होयो ते भी तालिब होयो जरदा हो। पढ़िया भी है तो मुड़ माड़ा उत्ते भजे तू तो पढ़ के खराबी की थी। कुछ समझ आई है कि कोई ना गल अजीदा ने मन बहु फरमा ने पढ़ पढ़िया फाजिल होयो ते भी तालिब होयो जरदा हो। दो जगदी जे दौलत लबे ते ए जालिम नफसना जितना माल होर लभदा जाए उनकी प्यास मुक्कण की बजाय उसकी भुख वधदी जाए। ये दुनियादार ते शुगर दे मरीज जिहड़े ने इन्हां दी मिसाल दे के तुहानूं गल सुणाई कि प्यास दुनिया की मुकदी ही नहीं, ये खत्म हुंदी नहीं। दुनिया का सारिया तो अमीर आदमी है बिल गेट्स, इस वेले दुनिया का सब तो अमीर आदमी बिल गेट्स। बिल गेट्स जड़ा है उस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी चु दौलत बनाई है, लेकिन वह समझ है बे इन्हें कंप्यूटर नालों आ जड़ियाँ दवाइया ने इन्हें पैसा बाड़ा है वो इदे हो गए। हूँ उदे राती जनाब इस पास दवाई वेचण से लगा है आ जी दवाई सी वैक्सीन लवाने ये भी होंगी। अच्छा मजे वाली गल जो अगे सारी दुनिया तो अमीर है हूँ हौसला ना करना चाहिए अब कला बंदा है बीवी अगे ही छड़ गई बीवी भी होंगी उन्हें छड़ गई तो कला बंदा है असि जट आने ना रन सो ना कन सो
खलोनो मुड़ भी नहीं रहा आंदा मैं जो और कमेंडी है रोड़ा पता है कि वो बीमार है वो बीमार है जितनी वो दौलत बद्दी जान्दी है वो होर गाऊं दी प्यास बद्दी जान्दी है एक घटदी ही नहीं बंदा पागल हो जान्दा दौलत दे विषय ऐसी है। अगर किसे बंदे अपने आप नु खला रहा है ना दौलत दे मैंने विच वो दुर्वेश बाकी किसे तो नहीं खलोती अगर किसे इन दयाल कंड कीती है तो दुर्वेश है ते जे किसे जट अपनी थां ते खलो लिया तो जट भी जट नहीं रहा वो जट दुर्वेश हो गया।